जेकर तुसी हेलीकॉप्टर राही हेमकुंट साहब की यात्रा करन दा प्लान बना रहे हो तो यह खबर तुहाडे लई है। सचखंड श्री हेमकुंट साहब की यात्रा तो 20 मई तो शुरू हो चुकी है, पर हेलीकॉप्टर की सुविधा अजे शुरू नहीं हुई। इस समय असी कांगरिया दे विच मौजूद हाँ, जिथे गोबिंद घाट तो जो हैलीकॉप्टर फ्लाई करता तो इस जगह के उपर लैंड करता तो यह हैलीपैड बनया होया। तो यह कांगरिया का हैलीपैड आ जिहड़ा गोबिंद धाम के बिल्कुल नज़दीक हैगा, तो यह हैलीपैड बनया होया। तो इस समय जी हैलीकॉप्टर की सुविधा शुरू नहीं हुई, तो दो हैलीपैड इतने बने हुए हैं, क्योंकि जो संगत बढ़ जाती है तो लगातार फिर हैलीपैड जिहड़ा हैलीकॉप्टर फ्लाई करता तो संगत काफ़ी होंदी है। तो यह दो हैलीपैड इतने बनाए हुए हैं, पर अजे तुहानू इत्थे हैलीकॉप्टर नज़र नहीं आएगा। अज 21 मई का दिन हैगा, अजे भी जिहड़ा वो कहा जा रहा जानकारी मुताबक कि 24-25 तरीक तो जिहड़ी है ये सुविधा शुरू होगी। जेकर तुसी प्लैन कर रहे हो कि हेमकुंट साहब हैलीकॉप्टर के राही जाना, क्योंकि बहुत सारिया संगतां हैगियां ने जां बजुर्ग हैगे ने जिहड़े पैदल नहीं जा सकते, तो उन्होंने लिए यह सुविधा जिहड़ी सी शुरू की गई सी। पर जेकर तुसी प्लैन कर रहे हो तो फिर तुहानू 4-5 दिन का इंतजार होर करना पवेगा। तो यह जिहड़ा वो टिकटिंग ऑफिस बनया होया, जेकर तुसी इत्थों गोबिंद घाट के लिए जाना तो इत्थों तुहानू जिहड़ी है वह टिकट लैनी पवेगी। हालांकि यह भी हुण इस समय जिहड़ा वह बंद पिया, तो यह एक पैसेंजर वेटिंग रूम बनया होया, तो यह भी जिहड़ा इस समय बंद पिया, जाने कि अजे यह सुविधा शुरू नहीं हुई। अज 21 मई का दिन हैगा, तो संगतां जिहड़ियां ने लगातार जा जरूर रही ने। हो सकता कि शायद इस बार बर्फ बहुत ज़्यादा पई है, तो यह तुहानू सामने तस्वीर के नज़र आएगा कि उपर पहाड़ों के बर्फ बहुत ज़्यादा पई है। शायद हो सकता कि मौसम को ध्यान के रखते हुए अजे तक जी सुविधा शुरू नहीं की गई। तो इस जगह तो जरा कुछ ही दूरी के उपर कह लो कि 200-300 मीटर की दूरी के उपर गोबिंद धाम गुरद्वारा साहब उत्थे हैगा, श्री हेमकुंट साहब गोबिंद धाम जो गुरद्वारा वो इतों 200-300 मीटर के करीब ही रह जाता। तो यह हुण संगतां आ रही ने, तो यह देखो ये घोड़े खच्चर भी चल रही ने, कुछ संगतां पैदल चल रही ने, पर हैलीकॉप्टर की जी सुविधा अजे तक शुरू नहीं की गई। तो यह खबर सिर्फ एक जानकारी तुहाडे नाल असी सांझी कर रहे हैं कि जेकर तुसी हैलीकॉप्टर ते आउण दा प्लान बना रहे हो तो तुहानू कुछ समय के लिए होर इंतजार करना पवेगा। कुछ दिन तुसी रुक सकते हो, तो कुछ दिन रुकन तो बाद जिहड़ा तुसी वह दोबारा प्लैन कर सकते हो। तो यह मोबाइल नंबर इन्हां दे वल्लों दित्ते हुए ने, हैलीकॉप्टर ते जेकर तुसी आउणा तो उन्हां दे नाल मोबाइल नंबरां दे उपर तुसी संपर्क कर सकते हो। तो एक बार जानकारी जरूर लै लियो, जेकर तुसी वाकई हैलीकॉप्टर के उपर जाना उपर सचखंड श्री हेमकुंट साहब के लिए दर्शन करने के लिए, तो एक बार संपर्क जरूर कर लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 25-26 तरीक तो यह सुविधा शुरू होगी। हो सकता कि जेकर मौसम खराब रहा तो इस तो भी ज़्यादा लेट हो सके। तो जेकर तुसी हैलीकॉप्टर ते आना तो एक बार इस बारे जानकारी जरूर प्राप्त कर लियो। जेकर तुसी हैलीकॉप्टर राही हेमकुंट साहब की यात्रा करन दा प्लान बना रहे हो तो यह खबर तुहाडे लई है। सचखंड श्री हेमकुंट साहब की यात्रा तो 20 मई तो शुरू हो चुकी है, पर हैलीकॉप्टर की सुविधा अजे शुरू नहीं हुई। इस समय असी कांगरिया दे विच मौजूद हाँ, जिथे गोबिंद घाट तो जो हैलीकॉप्टर फ्लाई करता तो इस जगह के उपर लैंड करता तो यह हैलीपैड बनया होया। तो यह कांगरिया का हैलीपैड आ जिहड़ा गोबिंद धाम के बिल्कुल नज़दीक हैगा, तो यह हैलीपैड बनया होया। तो इस समय जी हैलीकॉप्टर की सुविधा शुरू नहीं हुई, तो दो हैलीपैड इतने बने हुए हैं, क्योंकि जो संगत बढ़ जाती है तो लगातार फिर हैलीपैड जिहड़ा हैलीकॉप्टर फ्लाई करता तो संगत काफ़ी होंदी है। तो यह दो हैलीपैड इतने बनाए हुए हैं, पर अजे तुहानू इत्थे हैलीकॉप्टर नज़र नहीं आएगा। अज 21 मई का दिन हैगा, तो अजे भी जिहड़ा वो कहा जा रहा जानकारी मुताबक कि 24-25 तरीक तो जिहड़ी है ये सुविधा शुरू होगी। जेकर तुसी प्लैन कर रहे हो कि हेमकुंट साहब हैलीकॉप्टर के राही जाना, क्योंकि बहुत सारिया संगतां हैगियां ने जां बजुर्ग हैगे ने जिहड़े पैदल नहीं जा सकते, तो उन्होंने लिए यह सुविधा जी शुरू की गई सी। पर जेकर तुसी प्लैन कर रहे हो तो फिर तुहानू 4-5 दिन का इंतजार होर करना पवेगा। तो यह जिहड़ा वो टिकटिंग ऑफिस बनया होया, जेकर तुसी इत्थों गोबिंद घाट के लिए जाना तो इत्थों तुहानू जिहड़ी है वो टिकट लैनी पवेगी। हालांकि यह भी हुण इस समय जिहड़ा वो बंद पिया, तो यह एक पैसेंजर वेटिंग रूम बनया होया, तो यह भी जिहड़ा इस समय बंद पिया, जाने कि अजे यह सुविधा शुरू नहीं हुई। अज 21 मई का दिन हैगा, तो संगतां जिहड़ियां ने लगातार जा जरूर रही ने। हो सकता कि शायद इस बार बर्फ बहुत ज़्यादा पई है, तो यह तुहानू सामने तस्वीर के नज़र आएगा कि उपर पहाड़ों के बर्फ बहुत ज़्यादा पई है। शायद हो सकता कि मौसम को ध्यान के रखते हुए अजे तक जी सुविधा शुरू नहीं की गई। तो इस जगह तो जरा कुछ ही दूरी के उपर कह लो कि 200-300 मीटर की दूरी के उपर गोबिंद धाम गुरद्वारा साहब उत्थे हैगा, श्री हेमकुंट साहब गोबिंद धाम जो गुरद्वारा वो इतों 200-300 मीटर के करीब ही रह जाता। तो यह हुण संगतां आ रही ने, तो यह देखो ये घोड़े खच्चर भी चल रही ने, कुछ संगतां पैदल चल रही ने, पर हैलीकॉप्टर की जी सुविधा अजे तक शुरू नहीं की गई। तो यह खबर सिर्फ एक जानकारी तुहाडे नाल असी सांझी कर रहे हैं कि जेकर तुसी हैलीकॉप्टर ते आउण दा प्लान बना रहे हो तो तुहानू कुछ समय के लिए होर इंतजार
करना पवेगा। कुछ दिन तुसी रुक सकते हो, तो कुछ दिन रुकन तो बाद जिहड़ा तुसी ओ दोबारा प्लैन कर सकते हो। तो यह मोबाइल नंबर इन्हां दे वल्लों दित्ते होए ने, हैलीकॉप्टर ते जेकर तुसी आउणा तो उन्हां दे नाल मोबाइल नंबरां दे उपर तुसी संपर्क कर सकते हो। तो एक बार जानकारी जरूर लै लियो जेकर तुसी वाकई हैलीकॉप्टर दे उपर जाना उपर सचखंड श्री हेमकुंट साहब दे लई दर्शन करन दे लई, तां एक बार संपर्क जरूर कर लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 25-26 तरीक तो यह सुविधा शुरू होगी। हो सकता कि जेकर मौसम खराब रहा तो इस तो भी ज़्यादा लेट हो सके। तो जेकर तुसी हैलीकॉप्टर ते आना तो एक बार इस बारे जानकारी जरूर प्राप्त कर लियो।